देश भर में अब तक 2,24,301 लोगों को वैक्सीन दी जा चुकी है। यह शाम 5 बजे तक का आंकड़ा है, यानी 18 जनवरी को कोरोना वैक्सीनेशन के दूसरे दिन तक। पहले दिन 2,72,029 लोगों को कोरोना टीका लगा, जो दुनिया में सबसे बड़ा आंकड़ा है। अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस से ज्यादा लोगों को वैक्सीन की पहली खुराक दी गई। अलग अलग राज्यों में अलग अलग दिन इसके लिए तय किए गए। हालांकि केंद्र सरकार ने राज्यों से वैक्सीन सप्ताह के 4 दिन ही रखने को कहा है। केंद्र और राज्य सरकारें लगातार वैक्सीन साइड इफेक्ट को लेकर कोऑर्डिनेशन में हैं। कुल साइड इफेक्ट की बात करें तो 447 मामले सामने आ चुके हैं। शनिवार 16 जनवरी को देशभर में शुरू हुए अभियान में दूसरे दिन यानी कि रविवार 17 जनवरी को कुछ राज्यों में टीकाकरण रोका गया था। सोमवार को टीकाकरण के तीसरे दिन दोबारा उसे शुरू किया गया। सरकार भी 18 जनवरी सोमवार यानी टीकाकरण अभियान के तीसरे दिन से इसके रफ्तार पकड़ने की उम्मीद कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश से अपील की है कि वो टीकाकरण में शामिल हो, अफवाहों से बचे। कांग्रेस के रणदीप सुरजेवाला, मनीष तिवारी ने भी सवाल उठाए। प्रधानमंत्री जी ने कह दिया अपने साक्षात्कार में अक्टूबर में सबको कोरोना का टीका देंगे। देश के स्वास्थ्य मंत्री ने वायदा किया आपके समक्ष आकर आपके चैनल पर भी कि कोरोना का टीका मुफ्त देंगे। तो आज सरकार ये बताती क्यों नहीं कि क्या इस देश के लगभग 82 करोड़ और बहुत ही साधारण जो परिवार हैं, जिनको आप भोजन भी 2 रुपया किलो पर देते हैं, क्या उन्हें कोरोना का टीका मुफ्त देंगे या उन्हें परिवार के हर सदस्य के लिए 2,000 रुपया प्रति व्यक्ति वो टीका बाजार से खरीदना पड़ेगा, जो असंभव होगा उनके लिए। इनके जवाब में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि विपक्ष अफवाह फैला रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज।
राजन की मैं स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे, देश में वैक्सीनेशन के साथ ही सियासत भी शुरू हो गई है, सियासी पारा चढ़ रहा है। कांग्रेस ने सवाल उठाए कि जब देश में सभी लोगों को वैक्सीन पूरी नहीं हो रही है तो ब्राजील को 20 लाख डोज निर्यात करने के लिए परमिशन क्यों दी गई, ये बात की जा रही है। हम बात कर रहे हैं कोवैक्सीन की, कोविस और सीरम इंस्टीट्यूट की। दूसरी तरफ एक रेट को लेकर के सवाल उठ रहा है, रेट को लेकर के सवाल यह है उठ रहा है कि जब 158 में दूसरे कंट्रीज को उपलब्ध कराई जा रही है तो भारत में 200 रुपए में और मार्केट में 1000 रुपए में क्यों, जब पोलियो का वैक्सीनेशन फ्री हो सकता है पूरे देश में इतने लंबे समय तक, तो कोरोना का क्यों नहीं। लोगों की बड़ी स्थिति खराब हुई है, सरकार को इस पर जल्द फैसला लेना चाहिए। तो चलिए यही मुद्दा आज हम लेकर के चर्चा करेंगे कि क्या वास्तव में कांग्रेस का सवाल उठाना लाजमी है या फिर ये कहें कि वैक्सीनेशन के बीच केवल एक राजनीतिक हाइप है, इसको लेकर चर्चा करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार श्याम सुंदर शर्मा साहब हैं, हमारे साथ वरुण पुरोहित जी कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, भाजपा से पंकज जोशी जी जुड़े हैं, सभी का स्वागत है। मैं सबसे पहले वरुण जी आपके पास आना चाहूंगा, कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं कि ब्राजील को 20 लाख डोज क्यों दी जा रही है सीरम इंस्टीट्यूट की तरफ से, और 158 में जब एक दूसरे मुल्क के अंदर यही सीरम इंस्टीट्यूट उपलब्ध करा रहा है तो 200 रुपए में भारत में क्यों, ये जो सवाल उठाए जा रहे हैं। लेकिन ऐसे वक्त जब वैक्सीनेशन पूरे देश में चल रही है, लंबे समय बाद एक आफत से राहत की ओर जा रहे हैं, तो ये सवाल उठाना कितना लाजमी है। देखिए योगेंद्र जी, सबसे पहले तो सवाल उठाना लाजमी या न लाजमी नहीं होता, सवाल अगर कोई बात में गलती दिखती है तो उठाना जरूर चाहिए, जब भी लोकतंत्र और समाज और हमारी स्थिति मजबूत रह सकती है, समाज आगे बढ़ सकता है, प्रोग्रेसिव सोसाइटी आगे चल सकती है। अब रही बात, अब जो आप बात कर रहे हो बार बार, सब सुरजेवाला जी या कांग्रेस ने नहीं उठाया, सभी उठा रहे हैं। आज वैक्सीन की बात है, पहले इन्होंने कहा बिहार में फ्री देंगे, फिर कह रहे हैं पैसे से देंगे, ये सब चीजें विश्वसनीयता इनकी 6.5 साल में समाप्त हो चुकी। और एक एक जो विचार होता है समाजवाद का और पूंजीवाद का, उसका फर्क होता है। कांग्रेस का जो बैकग्राउंड है, कांग्रेस का जो संस्कार है, वो समाजवादी, समाज के ऊपर, भारतीय समाजवाद की बात कर रहा हूं, भारतीय समाज को कैसे विकसित किया जाए, कैसे प्रोग्रेसिव सोसाइटी आगे बढ़े, इनकी पार्टी शुरू से राइटिस्ट रही है, पूंजीवाद की परिचायक रही है, तो इनको तो भारत के लोगों से ही पैसा पैदा करना है। अब ये जो विदेश को दे रहे हैं, इसमें क्वेश्चन के तो बहुत बड़ी बात है, बहुत जघन्य अपराध है कि आप जो एक वर्ष तक जो भारत झेल रहा है, भारतीय नागरिक झेल रहे हैं नोटबंदी, जीएसटी और कोरोना के बाद से आर्थिक समस्याओं से, उसमें आप विदेशियों को तो कम में दे रहे हो, हमसे ज्यादा पैसे ले रहे हो। पहले आपने कहा फ्री देंगे चुनाव जीतने के लिए, कभी मैंने नहीं सुना पल्स पोलियो अभियान में भी कि भाई चुनाव जीतने के लिए वैक्सीनेशन के इतने प्रोग्राम आए, चिकन पॉक्स क्या है, मिजिल्स क्या है, आपके ट्यूबरक्लोसिस के भी चले, आपके एड्स के भी 36 साल से अभी चल रहे हैं और आगे कंटिन्यू भी कर रही है रिसर्च। लेकिन अब विश्वसनीयता जिस सरकार की समाप्त हो चुकी होगी, तो वो कोई ना कोई क्वेश्चन तो उठाएगा, और क्वेश्चन जो ऑथेंटिक क्वेश्चन है वो तो उठाना चाहिए। अगर नहीं उठाएंगे तो ये तो सरपट दौड़ रहे हैं हिंदुस्तान को खत्म करने के लिए, तो आप उस स्पीड ब्रेकर नहीं लगाओगे तो कैसे काम चलेगा। तो आप लगाम लगाने के लिए स्पीड ब्रेकर एक राइडर लगाना चाह रहे हैं। नहीं, राइडर तो जनता लगा रही है ना, दिल्ली को घेर लिया, उसका दुष्प्रचार करे जा रहे हैं, किसान आंदोलन किस, आप मत बताइए भारतीय नागरिक को, किसी को आप खालिस्तानी कभी पाकिस्तानी कभी कैसे बोल सकते हो क्या। हम ऐसी एक राजनीतिक दौर चल रहा है, वैक्सीनेशन का भी वही है, वैक्सीनेशन का भी प्रोपोगंडा, मैंने किया 70 साल में इतने मैंने आपको प्रोग्राम गिनाए और भी बहुत है, कभी किसी ने नहीं कहा मैंने किया, आज ये कर रहे मैंने किया। 6.5 साल में थोड़ी साइंटिस्ट पैदा होते हैं, 6.5 साल में साइंटिस्ट नहीं होते। पंकज जी सवाल उठ रहे हैं विपक्ष की ओर से कि एक तो वैक्सीनेशन की जो रेट है वो बेल्जियम में 158 रुपए में दी जा रही है, भारत में 200 रुपए में दी जा रही है, और आम जनता को 1000 रुपए के लिए उपलब्ध कराई जा रही है, इसको लेकर के कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं। दूसरा, 20 लाख डोज ब्राजील को एक्सपोर्ट करने की सीरम इंस्टीट्यूट को परमिशन दे दी गई, जबकि भारत के लिए पहली प्राथमिकता होनी चाहिए थी, ये कुछ सवाल उठाए जा रहे हैं। बिल्कुल, पहली बात जो है अरुण जी ने खुद ने साफ कह दिया कि राइटिस्ट विंग, इन्होंने खुद ने भी कहा कि ये राइटिस्ट लोग हैं। आप मुझे बताइए कि ये बता दे कि हम कौन से लोग हैं,
राइटिस्ट है, लेफ्टिस्ट है, मिडिलिस्ट है, ये तो बता दे। इन्होंने नहीं बताया अभी तक, इनकी सोच नहीं बताई इन्होंने। इन्होंने कहा भारतीय समाजवाद। देखिए मैं आपको वही कह रहा हूं, जो सोच थी उनकी इन्होंने खुद ने परिकल्पना, पहली बात। अब आप मुझे बताइए कि भारत की विचारधारा क्या है, जो आया है वो खाएगा, जो कमाएगा वो नहीं खाएगा। इनकी विचारधारा जो बात थी वो कौन सी थी कि जो कमाएगा वो खाएगा। हमने कहा जो जन्म लेगा, जो आएगा वो खाएगा, जो जो यहां पर जमीन पर जन्मा है उसको खाना मिलेगा। ये हमारी सोच थी, सनातन सोच है। और उस सनातन सोच के साथ हमने कहा हम ही नहीं बल्कि हम पूरे विश्व को जो है स्वास्थ्य की सेवाएं उपलब्ध कराएंगे। अब आप मुझे बताइए कि ये वही लोग है ना जो कुछ दिन पहले, 10 दिन पहले, आज ये आवश्यकता क्यों पड़ी? आज इतनी बड़ी बात जो सुरजेवाला जी कल आए, इनको इनको ये कहने से पहले माननीय प्रधानमंत्री जी को ये बात कहने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि यहाँ के इनके जाने माने जो विद्वत है, इनके लोग, उन्होंने तो वैक्सीन पर प्रश्न उठा दिया था, उठाया था ना वैक्सीन के ऊपर ही, कि इसको जो है परमिशन नहीं दी जानी चाहिए थी। अब ये कह रहे हैं कि जो बाहर वाले मांग रहे हैं, अब उस पर प्रश्न उठा रहे हैं कि बाहर वाले क्यों मांग रहे हैं। अरे भाई, जब तुमको विश्वास नहीं है, बाहर वाले को विश्वास है और वो मांग रहा है, तो फिर आपको परेशानी कहां है? ये डबल गेम वाले जो सिस्टम है ना, अब तीसरा गेम सुनिए। इन्होंने कहा कि साइंटिस्ट के 70 साल में पैदा हुए थे क्या? मुझे बताइए कि अब्दुल कलाम साहब कब पैदा हुए थे? सुन जाइए, मैं आ रहा हूँ वहीं पे आ रहा हूँ आपके पर, मैं वहीं पे आ रहा हूँ। अरे सुनिए ना, देखिए पहले सुन जाइए, अब्दुल कलाम साहब कब हुए थे? अब्दुल कलाम साहब का पहला कार्य 6.5 साल में पैदा नहीं हुए थे साइंटिस्ट, जो आप सोच रहे हो मोदी जी के काल में ही पैदा हो गए। पंकज जी सवाल है कि आत्मनिर्भर भारत की बात की जाती है, 4 से 6 साल में ही भारत आत्मनिर्भर नहीं हुआ, ये 70 साल के मिले जुले प्रयासों का परिणाम, ये कांग्रेस का कहना है? नहीं, तो कांग्रेस तो ये भी कहती है कि हमें जो व्यवस्था देकर गए थे वो तो अंग्रेज दे गए थे, क्योंकि कांग्रेस तो ये कहती है कि हम तो 1896 की पार्टी है, तो इनकी विचारधारा तो 1896 में चलती आ रही है, तो ये तो ये नहीं मानेंगे कि 70 सालों में, ये तो कहेंगे 124 सालों में। मैं आपको फिर कह रहा हूं कि ये चीजें जो सोच रहे हैं ना, ये अपने आप को जो है सबसे पुरानी 1896 की मानते हैं, और ये जो मानते हैं कि आत्मनिर्भरता का जो बात करते हैं, मैं यही कह रहा हूं कि आज तक जो स्थितियां हैं, ऐसी स्थिति कांग्रेस की जो है मानसिक रूप से जो दिवालिया पर भी कोशिश है, पहली बार आई है। कि आप देखें कि पहली बार इन्हों के जब 3 विद्वत लोगों ने बोला, जिसमें फॉरेन मिनिस्टर इनके बोले, पूर्व विदेश मंत्री जो थे वो बोले, उनका जवाब जो है भारतीय ने नहीं दिया, उनका जवाब किसने दिया? विश्व के जो है, आप देखें कि बिल गेट्स ने जवाब दिया, तब इनको लगा कि नहीं यार, ये तो पता नहीं क्या हो गया, और उनसे पूछिए कि आपके हाथ में मोबाइल किसका था? उन्होंने जवाब दिया कि आपके हाथ में जो ये जो आप जो पढ़ करके आए हो ना, ये कहां से पढ़ करके आए हो? ये मेरा इंस्ट्रूमेंट दिया हुआ जिसको यूटिलाइज कर रहे हो, मेरा ही प्रोग्राम दिया हुआ जिसको यूटिलाइज कर रहे हो। जी पंकज जी, लौटूंगा श्याम जी के पास जाना चाहूंगा। सर आपके पास आना चाह रहा हूं मैं। आपने सुना कांग्रेस अपनी ओर से अपनी आपत्ति दर्ज करा रही है, बीजेपी से खारिज कर रही है, और खारिज ही नहीं कर रही है, पूरे एक तरह से आक्रामक स्थिति के अंदर है। जैसे ही सुरजेवाला ने सवाल उठाया, एक दिन पहले मनीष तिवारी ने उठाया कि कोवैक्सीन का पूरा एक चार्ट बताना चाहिए कि कहां इसका ट्रायल हुआ, क्या अभी ट्रायल चल रहा है। खैर एनीवे, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगा कि एक तरफ आफत से राहत की ओर हम बढ़ रहे हैं, तो क्या वास्तव में कोरोना जब से चला, मुझे बहुत अच्छे से ध्यान है कि सबने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया और ये कहा कि ये विश्वव्यापी एक महामारी है, इससे मिलकर मुकाबला करना होगा। मिलकर मुकाबला करते करते हम एक ऐसे राजनीतिक बाणों की ओर पहुंच गए कि वैक्सीन से पहले ही जम के तीर चले हैं। कोई मुद्दा हो, चाहे वो चाहे लॉकडाउन का हो, अभी वैक्सीनेशन का भी ऐसा ही कुछ है, तो क्या वास्तव में सवाल उठाना लाजमी है, या फिर ये कहें कि सवाल कोई भी उठा सकता है, सरकार को इतना आक्रामक नहीं होना चाहिए, या फिर ये माने कि कांग्रेस को गैर वक्त चुना है ये सब चीजों का एक सिलसिला शुरू करने का, या फिर कहें कि ये सवाल खड़े करने के लिए इस समय कोई जरूरत नहीं थी ये सब चीजें करने की, तो कौन कांग्रेस सही है या फिर सरकार की आक्रामकता सही है? देखिए योगेंद्र जी, क्योंकि वैक्सीनेशन या वैक्सीन बनाने का काम निजी कंपनी कर रही है, और निजी कंपनी कर रही है तो रेट को लेकर के तो विवाद होगा, और रेट जिस प्रकार की आ रही है सामने, यदि ये गलत है तो पंकज जी बता दें इनकी तरफ से कि ये बेल्जियम को दिया जाने वाला दर हमसे कम है क्या? नहीं है तो फिर कोई बात नहीं। लेकिन यहाँ बात देखिए, भारत बायोटेक की बात भी है कि हम उसको देखिए, सारी चीजें भी हम दे रहे हैं, हमारे तरफ से सारा सहयोग भी है, तकनीकी भी हमारी, वहां 295 रुपए की बन रही है,
ये दोनों में अंतर क्यों हो रहा है, थोड़ा हमको समझने की जरूरत है। अब देखिएगा मार्केट में, खुले मार्केट में आप 1,000 रुपए की बेचोगे, क्योंकि अभी तक सप्लाई तो केवल सरकारी तौर पे ही हो रही है। आप वैसे तो अगर आपको दो डोज लगवानी है तो 2,000 रुपए आपको खर्च करने पड़ेंगे। ऐसे ही सरकार के लिए 200 रुपए की एक डोज है, अगर एक कोरोना वॉरियर को लगेगी तो 400 रुपए की वो डोज लगेगी। देखिए मैं वही तो कह रहा हूँ, आप देखिएगा अगर टोटल हिसाब से लगाया जाए तो देखिएगा कि उन्होंने जिस प्रकार से, मैं देख रहा था कि हम पूरे देशवासियों को जब लगाने की बात करेंगे तो कहां से पैसा आएगा, कैसे करेंगे। और बिहार में जल्दबाजी में फिर क्यों कहा गया कि वैक्सीन तो हम फ्री देंगे, और वैक्सीन बिहार में इलेक्शन जीत गए, अब वहां तो सबसे पहले फ्री देनी पड़ेगी क्योंकि वादा किया है। अब आगे बंगाल में क्या वादा करोगे वो भी बताना पड़ेगा आपको। ये आप जिस प्रकार से आप देखिए डॉक्टर्स को लगवा रहे हैं, आप फ्रंट लाइन को लगाएंगे, आपने खुद ने कहा है, सारी बातें हो रही है, तो ये बात 27 करोड़ लोगों को ये फ्री देंगे ये बात कह रहे हैं अभी स्पष्ट रूप से। लेकिन हमारे यहाँ 135 करोड़ दोष है, ये लोग हैं, तो 135 करोड़ को कैसे वैक्सीन मिलेगी, कब मिलेगी, क्या मिलेगी। और क्योंकि अभी ये भी तय हो गया है कि इसमें एक तो गर्भवती महिला को नहीं लगानी, 18 साल से कम उम्र वाले को नहीं लगानी। और जो रिजल्ट आ रहे हैं अभी, क्योंकि अभी तक वैक्सीनेशन का काम शुरू हुआ है, पहले दिन तो देखिए 3,006 सेंटर्स पे लगाने का काम किया, 100 लोगों के लिए पहले लगी, और धीरे 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 जब लगेगी उसका इम्पैक्ट क्या होगा, और फिर उसके बाद सेकंड राउंड 28 दिन बाद लगेगी, और उसके 15 दिन देना है, 42 दिन बाद का रिजल्ट क्या होगा, उसके बाद तय होगा कि वैक्सीनेशन से फायदा हो रहा है नहीं हो रहा। अभी तो सब चीजें, क्योंकि ट्रायल भी नहीं हुई, इमरजेंसी तरीके से लगाने की बात हो गई। अभी बात सही देखिए जिस प्रकार से नहीं नहीं लेकिन एक बात मुझे ये बताइए श्याम जी कि यहाँ एक ऐसा वक्त है कि हमें मिलकर के, क्या सरकार को भी इतनी आक्रामकता दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं थी, और प्रतिपक्ष को भी इस तरह से सवाल खड़ा करना, बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जिन पर चर्चा की जा सकती है, या फिर ये कहें कि सरकार अपनी मनमर्जी से चल रही है, प्रतिपक्ष को लगता है कि इन सब चीजों पर बैठ करके बात होनी चाहिए थी, या फिर रेट्स को लेकर के चर्चा करनी चाहिए थी, कुछ ऐसा लगता आपको? देखिएगा कि ऑल पार्टी मीटिंग तो प्रधानमंत्री जी को बुलाया जाना चाहिए, क्योंकि आप अच्छा संकेत दे रहे हैं, देश में महामारी आ गई है उसको समाप्त करने की, और एक हमने दावा कर लिया और हमने वैक्सीनेशन भी कर, दो हमारी कंपनी भी आ गई और दो कंपनी और चल रही है, अभी हो सकता है जल्दी आ जाए, तो ये प्रतिस्पर्धा भी होगी, दवाई के दर में भी कमी आएगी। लेकिन आज राजस्थान सरकार ने फिर देखिएगा जो 800 रुपये किया था फिर 500 रुपये कर दिया, तो अब ये भी कम करना पड़ेगा, अब ये भी कम करना पड़ेगा। पंजाब सरकार की सीख ले, पंजाब ने जितना कर रखा वो दर कीजिएगा, क्योंकि देखिए जितना टेस्ट होगा उससे बीमारी पर कंट्रोल करने में कामयाब होंगे। और आप देखिए जिस तरह से अभी कहते हैं कि 60,000 हम टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन हो कितने रहे, हो कम रहे, तो ये सारी चीजें हैं। आप भी अपना खुले रूप से विचार कीजिएगा, देश तो जानना चाहेगा कि देखिएगा ये पैसा प्रधानमंत्री जी नहीं दे रहे, ये देश का पैसा है, उसको आप दे रहे हैं और लोगों के लिए दे रहे हैं अभी, क्योंकि फ्रंट लाइन वालों को दे रहे हैं, क्योंकि हमारे लोगों में जिस प्रकार का हमें जरूरत थी उस वक्त डॉक्टर्स खड़े हुए, पुलिस कर्मी खड़ा हुआ, या बाकी लोग खड़े हुए जो कि हमारे कंट्रोल करने में, हमारी बीमारियों में हमारा सहयोगी बने, उनको सबसे पहले दी जानी चाहिए, जिससे कि वो रहेंगे तो हमारे आगे इलाज। बिल्कुल मैं वापस लौटूंगा, यानी कि साफ है कि जो सरकार ने तय किया है कि फ्रंट लाइन वॉरियर्स जो हैं उनको दिया जाना चाहिए, इसमें कोई खारिज भी नहीं कर रहा, होना भी चाहिए ये बिल्कुल निश्चित रूप से। जब लोग घरों में बैठे हुए थे तो ये लोग कोरोना की जंग के लिए सड़कों पे लड़ रहे थे, चाहे वो फ्रंट लाइन वर्कर्स हों, पैरामेडिकल स्टाफ हो, डॉक्टर्स हों, तमाम लोग, पुलिस के कॉन्स्टेबल्स हों, पुलिस के ऑफिसर्स हों, होना भी चाहिए, इसे कोई खारिज नहीं कर रहा, एक अच्छी पहल है सरकार की, और मुझे लगता है कोई राज्य सरकार इस पर सवाल भी नहीं खड़े कर रही है। पंकज जी एक बार आपके पास आना चाहूंगा, रेट्स को लेकर के कांग्रेस ने हो सकता है जल्दबाजी की हो, या कांग्रेस अपनी प्रतिपक्ष का धर्म निभा रही हो, जैसे श्याम जी कह रहे हैं कि ये तो कोई भी पूछ सकता है रेट्स को लेकर के, भाई ऐसा क्यों कर रहे हो, 158 में जब बेल्जियम में मिल रही है, यहाँ से वहां तक के एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाने के बावजूद भी 158 में मिल रही है, तो यहाँ 200 रुपए और आमजन को 1,000 रुपए में, तो रेट्स को लेकर के तो सवाल आज नहीं तो कल से उठना लाजमी है, और उठेंगे तो सरकार को इस पर आक्रामकता, या कांग्रेस को अपना आईना कि इतने 70 साल में कुछ नहीं किया, जब हम कुछ कर रहे हैं तो उस पर सवाल खड़े कर रहे हैं, ये मुझे लगता है कि सरकार के इस कदम को अप्रिशिएट तो सब कर रहे हैं, लेकिन अगर रेट्स पे अगर सवाल उठाए जा रहे हैं या एक्सपोर्ट पे सवाल उठाए जा रहे हैं, तो सरकार को इतना
आक्रमक या विचलित नहीं होना चाहिए? देखिए योगेंद्र जी, मैं दो बात पहले आपको बता कि कोई भी चीज होती है वो एनालिसिस, और यदि आप विपक्ष में है और वो भी इतने बड़े विपक्ष में जब आप शासन करके आए हैं तो आपके पास डाटा होने चाहिए। अभी आप मुझे बताइए कि राज्य सरकारों से अक्टूबर के माह में जो है मांगा गया था कि आपके पास में जो है कोल्ड चेन से लेकर के जो वैक्सीन लगाने की कितनी आपकी क्षमता है वो बताइए। आपने खुद ने देखा कि 3,19,000 जो है पूरे स्टेटों से आए कि हम एक दिन में 3,19,000 वैक्सीन लगा सकते हैं। अब यदि आप ये मानते चलिए लगी कितनी स्टेटों ने लगाई वैक्सीन, सेंटर ने तो नहीं लगाई, स्टेटों ने वैक्सीन लगाई 2 लाख समथिंग, हम 3 लाख को भी मान ले तो 365 दिन यदि लगातार लगती है, जबकि सैटरडे और संडे मना किया गया है, 52 संडे 52 सैटरडे यदि हम हटा दें, है ना, तो ये जो आंकड़ा है ये और कम हो जाएगा। लेकिन ये टोटल आंकड़ा 365 दिन का मैं आ रहा हूं, 11 करोड़ होती है एक साल में, 11 करोड़ वैक्सीन आप लगा पाएंगे, स्टेट लगा पाएंगे, मैं आपको यही कह रहा हूं। 3 महीने से लगातार प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार लगातार जो है कोल्ड चेन से लेकर के उनके जो है लगाने का तरीका, उनके पास स्टाफ, उनकी पूरी क्षमता को जो है लगातार अप्रिशिएट कर रही है, बढ़ाने की कोशिश कर रही है, उसके बाद ये स्थिति है, पहली बात। अब दूसरी बात आपने कही प्राइसिंग पर, अब आप मुझे बताइए कि आपने जो प्राइसिंग दे रखी थी भैया, है ना, अभी आपका प्राइसिंग का रूल क्या था, जो आपने मेडिकल प्राइसिस के रूल कर रखे थे उनमें जो बेसिकली प्राइसिंग का जो मामला खत्म हुआ वो कब हुआ, प्राइसिंग का रूल क्या है, आपका रूल बता दीजिए ना भाई, हम क्या रूल फाइनल करके गए थे कांग्रेस वाले, ये रूल फाइनल करके गए थे कि जो मैं आ रहा हूं सर फॉलो कर रही है, उसके साथ साथ मैं बताता हूं आपको, प्रधानमंत्री जी ने जन औषधि केंद्र खोला है, जहां पर छोटी दवाई बता देता हूं आपको, जो बेसिकली सुबह सुबह खाली पेट देने की जो ओमेज है और जो पेंटाप्रोजोल है सर, उसकी कीमत यदि आप जाएंगे तो पूछ लीजिए, जो राजस्थान सरकार है वो कितने में परचेज कर रही है, और जो आपका जो आयुष मंत्रालय जो पेश कर रहा है, जो जनऔषधि केंद्र है, वहां पर कितने की है, और आपने ये नहीं पूछा कि आज आपने 4400 रुपए से लेकर के लगातार जब फिट से, मुझे बताइए आज तक हमने 3 बार RTI में इंफॉर्मेशन मांगी है कि आप जब रेट कम करते हैं तो बेसिकली आपके पास प्राइवेट सेक्टर का जो किट परचेज किया हुआ है उसकी कॉस्ट क्या है, उसको आपने बताया आज तक कि उसने कितना परचेज करके रख रखा है और कितने में परचेज कितने लगा रहा है। तीसरी बात आ रहा हूं आपने जो बात कही प्राइसिंग की, फिर मैं कह रहा हूं कि अब इन्होंने कहा 158 रुपए में दी है, मुझे बताइए कि भाई एक्सपोर्ट ऑर्डर का कोई इन्होंने ग्राफ दिया है कि ये एक्सपोर्ट ऑर्डर दिया गया है? आपने कहा कि देखिए दो बड़ी बातें हैं, जो एक्सपोर्ट है पहली बात तो इसमें ड्यूटी नहीं है। बेल्जियम के एक मिनिस्टर का हवाला देते हुए कि उन्होंने ट्विटर के जरिए, उन्होंने बयान के जरिए कहा कि हिंदुस्तान के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से हमने ये वैक्सीन खरीदी है और इसकी कीमत इतने में है, तो अगर किसी मुझे बड़ा ताज्जुब हो रहा है कि हम यदि 1,000 रुपए भी मैं अपने बच्चे को यदि बाहर भेजना चाहूं तो मुझे बैंक में फार्म भरना पड़ता है। एक्सपोर्ट लगाने का यदि सिस्टम है तो श्याम सुंदर जी बता देंगे कि एक्सपोर्ट कैसे लगता है, बहुत सारे ज्वेलर हैं उनसे पूछ लीजिएगा सब, एक्सपोर्ट का ऑर्डर जो है यदि ट्विटर पे और यदि व्हाट्सएप पे हो जाता हो तो मुझे बता दीजिए, और कौन सा ऐसा एयरवे बिल था, कौन सा ऐसा जो है शिपिंग बिल था, ऐसा कौन सा इनवॉइस था। अरे भाई ये तो आप इतने बड़े शासन में रहे हैं भाई, आपके विदेश मंत्री रहे हैं, आपके फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं, किस बैच के थ्रू हुआ, किस इनवॉइस के थ्रू हुआ, कौन सा हुआ, ये तो लाके दे देते यार। पंकज जी बात वही है, अगर कांग्रेस ने बेल्जियम दे करके वहां के मंत्री के माध्यम से अपना रिसोर्स बताया कि मिनिस्टर के बयान को हम कोट कर रहे हैं तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं है कि उस मुल्क में इस तरह की चर्चा है, आप लोगों को बता देना चाहिए, ऑफिशियल स्टेटमेंट देना चाहिए। अरे सर मैं तो पूछ रहा हूँ कि भाई आपने जो चीजें सारी करी है, मैं तो RTI मांग रहा हूँ भाई, इनका 2005 का एक्ट है, उनमें से कितनी दे रहे हो आप, उसको तो वही दे रहे आपको, हमसे तो आप वर्बल मांग रहे हो। मैं कह रहा हूँ कि यदि एक भी, आज मैं आपसे फिर कहना चाहता हूँ कि यदि एक पैसे का भी यदि कोई वो होगा तो बताएं, और देश में ये बात गारंटी है कि हाँ जो भी देश है 190 पड़ोसी देश है, हम उनको विदाउट एक्सपोर्ट ड्यूटी हम अपना जो है लोगों के जीने का धर्म जो है वो निभाएंगे और उनको देंगे, और मैं जो है धन्यवाद देना चाहता हूँ पंकज जी, ऐसा वाला ड्यूटी कर रहे हैं सर। पंकज जी
अब तो आप जीवन पूर्ण वाला भी उठाने लगे। आपको यदि कोई आदमी उसका जो है ना, यदि जो है हमदर्द का साथी और या फिर जो है साबर यदि कोई सपोर्ट कर रहा था ना, तो शायद आपको पंकज जी 158 को आप कह रहे हैं, इसको जस्टिफाई कर रहे हैं आप कि एक्सपोर्ट ड्यूटी के बिना भी अगर दी जाती है कोई बात नहीं, कोई इसको कोई खारिज नहीं कर रहा, दीजिए बहुत अच्छी बात है। अगर कोई जनसेवा में चीजें होती है कौन खारिज करेगा सर इसको, लेकिन आप 150 हमने कहा का भाई, इसको कोई समर्थन नहीं, हमने तो ये देखिए इसका प्रूफ आगे दीजिए ना। डिबेट आप राज्य में करा रहे हैं तो 158 का डिबेट आप जैसे मंत्रालय के बात पूछ रहे हैं। पंकज जी आप सवाल तो सुनिए, सवाल मेरा ये है कि आप ये कह रहे हैं कि एक्सपोर्ट ड्यूटी को अगर कहीं पे मिल लगाएंगे बहुत अच्छी बात है, मत लगाइए, पॉलिसी है गवर्नमेंट की, अच्छी बात है। मैं तो ये कह रहा हूँ लेकिन पूना से जयपुर दिल्ली पटना त्रिवेंद्रम कहीं भी पहुंचने के लिए यहाँ तो कोई इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट ड्यूटी भी नहीं लग रही है, फिर 200 में उपलब्ध क्यों हो रही है? सवाल ये उठ रहा है कि अगर वहां पे 158 रुपए में जो विदाउट एक्सपोर्ट ड्यूटी भी अगर आप कह रहे हैं तो जवाब दे दूंगा आपको। यदि आपका चैनल कंफर्म है 158 रुपए में है तो मैं बता दीजिए, मैं खुद कह रहा हूँ आपको ये, मैं मुझे कंफर्म नहीं है भाई 158 रुपए में है। सर मैं वही तो कह रहा हूँ, तो सवाल कर रही है कि सरकार को बता देना चाहिए कि 158 में वहां दिया जा रहा है, तो में हमें क्यों मिल रहा है? मुझे बताइए, हर एक प्रश्न आप जब मीडिया से पूछ के बताएंगे क्या? आप पूछ लीजिए ना भाई, आपका भाई मुझे समझ में नहीं आता, ये पूछ तो लीजिए ना आप, बाहर की चीजों को कोट करके वो ज्यादा लाएंगे है ना। कल आपको फोन करके बार बार पूछूंगा तो ये काफी चीजें होंगी भाई, होने की आवश्यकता नहीं है सर, सवाल कोई भी खड़ा कर सकता है कि 158 में कोई रिसोर्स नहीं है 158 रुपए का, ये रिसोर्स लाके बताएंगे हम, बता देंगे 158 में कितने गई है। जी ये कहना चाह रहे हैं कि कोई सवाल पूछ ही नहीं सकता वर्तमान सरकार से, ये कहना चाह रहे हैं आप? ये क्या नहीं, मैं ये कह रहा हूँ पूछने कार फ्रीज कर दिया गया सर, मैं क्या कर रहा हूँ फ्रीज, मेरे से पूछेंगे क्या सरकार का सवाल? आई एम ऑथेंटिकेटेड क्या कह रहे हैं कि मीडिया से पूछ के सरकार तय नहीं करेगी, बिल्कुल मत करिए, लेकिन कोई भी सवाल उसको फ्रीज करने की बात, योगेंद्र जी मैं मीडिया से पूछने की बात नहीं कर रहा, मैं तो कह रहा हूँ क्या मीडिया कंफर्म कर रहा है कि हाँ ये प्राइस में दिया है, मैं तो इतना सा पूछ रहा हूँ। सरकारी डोज आ रही है 200 रुपए की आ रही है, तो बिल्कुल सब जगह कंफर्म है 200 रुपए की डोज आ रही है, और 1000 रुपए का अभी सर आप जो कह रहे हैं आधार पूना वाला ने कहा कि 1000 रुपए में बेचेंगे बाजार में, हम अभी आएगा ना, आया नहीं है बाजार में को बेचने के लिए, आएगा तो देखेंगे, सरकार को तो दे रहे हैं 200 रुपए का, ये भी भारत सरकार का प्रश्न नहीं है भाई, आधार पूना वाले ने कहा कि मैं कितने बेचूंगा, प्राइसिंग जो तय करेगी सरकार वो कर देगी, बता देंगे उस टाइम जवाब दे देंगे हम आपको। नहीं नहीं 200 रुपए में जो खरीद रही है कांग्रेस का सवाल तो ये, पंकज जी आप रिलैक्स होकर के दीजिए जवाब, आप तो बिल्कुल कूल आदमी है, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि कांग्रेस का जो सवाल है वो 158 का है, इसमें कोई बड़ी बात ही नहीं है, अगर सरकार को कहने की बात है कि अगर बेल्जियम के मंत्री ने जवाब भी दिया है तो गलत दिया है सरकार, आपको 158 रुपए में परचेज किया है तो इसका जो है भारतीय जनता पार्टी के सरकार की तरफ से अभी जवाब नहीं आया है और ना ही मुझे कंफर्म, वही तो वरुण पुरोहित सवाल खड़ा कर रहे हैं जी। वरुण जी आपसे पूछना चाहूंगा, सरकार के अपनी कुछ पॉलिसीज भी हैं, हर चीज को आपसे क्यों शेयर करें? ऐसा है साहब, जनता की जो चीज होती है जनता से शेयर करना आवश्यक होती है, कोई वो नहीं है कि राष्ट्रीय अस्मिता का प्रश्न हो रहा है कि कोई डिफेंस का प्रश्न हो रहा है कि आप जनता को डोज लगा रहे हो, तो जनता को तो बताओगे ना क्या चीज कर रहे हो। अब आप बेल्जियम की बात है, ब्राजील की बात है, ये क्यों जवाब क्यों नहीं देना चाह रहे, विचलित क्यों हो रहे हैं आप मुझे बताइए। और ये बार बार आरटीआई की जो बात करते हैं, आरटीआई तो कांग्रेस सरकार ही लाई थी, और 190 पड़ोसी मुल्क नहीं है, इनके मुंह से स्लिप ऑफ टंग हो गया, 190 पूरी दुनिया की बात कर रहे होंगे आप, मुझे बताइए बिहार में फ्री देंगे आप, बंगाल चुनाव होगा तो फ्री देंगे, और राजस्थान वालों से पैसा लेंगे, ये कौन सी नीति है? आप प्रश्न ही खड़ा मत करो भाई, आप बिहार में फ्री कैसे दे रहे थे पूरी उनके 7.5 करोड़ पब्लिक को, तो फिर दूसरों से क्यों लोगे? केंद्र सरकार को क्लियर करना चाहिए पूरे देश को हम फ्री देंगे, घबराने की जरूरत नहीं है, 100 रुपया गैस का दाम बढ़ा दिया हम 100 और बढ़ा देंगे आपको फ्री दे देंगे, ये तो ये करते ही आ रहे हैं खेल, गैस का 100 रुपया बढ़ा दिया, उधर से जनता को कह दिया हमने फ्री दे दिया, फिर कोई ऐसी चीज पेट्रोल के दाम आज भी बढ़ा दिए बढ़ा देंगे, 100 रुपया तेल कर देंगे पेट्रोल डीजल, सवाल ये फ्री देंगे कहां से, ये जनता को वरुण जी पंकज जी का ये कहना है कि कोई भी आरोप हो उसका आधार होना चाहिए,
वो ये कह रहे हैं कि उनको नॉलेज नहीं है और ऑथराइज नहीं है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, भारतीय जनता पार्टी ने क्लैरिटी नहीं दी है, वो ये कह रहे हैं। और जो सुरजेवाला जी ने आरोप लगाया है वो सीनियर एडवोकेट है, कोई पागल नहीं है कि जो बिगर आधार के कोई आरोप लगा देंगे। अगर बिगर आधार के उन्होंने आरोप लगा दिया तो इनके दिन भर जो प्रवक्ता टीवी चैनल पर आए तो क्लियर कर देते कि साहब इसका कोई आधार ही नहीं है, वो तो कर नहीं रहे। कांग्रेस ने ऐसा किया, कांग्रेस ने ऐसा किया, आरटीआई कह रहे आरटीआई तो कांग्रेस लाई थी, आप लाए थे क्या? आप लाए आरटीआई, कांग्रेस लाई आरटीआई, आप बिहार में फ्री कहां से दे दोगे, बंगाल में फ्री चुनाव जीतने का फिर ड्रामा कर दोगे। ये प्रोपोगेंडाइज्म और ड्रामेबाजी खत्म हो चुकी, जनता समझ चुकी। आज ये किसानों के पीछे किसानों को पता नहीं क्या क्या कहने लगे। आप प्रश्न करो ही मत इनसे, ये जो गड़बड़ करें, देश को बर्बाद करें, देश की इकोनॉमी का सर्वनाश करें, इनसे क्वेश्चन मत पूछो। ये जो चीज चल रही है पूरा देश देख रहा है, आप ये देखिएगा, ये मीडिया को भी नहीं छोड़ेंगे, जो चैनल इनसे प्रश्न करेगा उसको भी खत्म करने का प्रयास करेंगे। सर मेरा एक सवाल है आप दोनों से ही, आपसे वरुण जी मेरा एक सवाल है आप दोनों से ही, सवाल मेरा यह है कि क्या वास्तव में ये एक ऐसा मुद्दा है, देश में सियासत के बहुत मुद्दे हो सकते हैं, सियासी मुद्दे बहुत हो सकते हैं, लेकिन क्या वास्तव में कोविड और वैक्सीनेशन इसे राजनीतिक मुद्दा बनाया जाना चाहिए? योगेंद्र जी राजनीतिक मुद्दा नहीं, इन्होंने बना दिया, ये प्रोपोगेंडाइज्म ऐसा कर रहे हैं, यही वैक्सीन तैयार करी, यही जनता को दे रहे हैं। भाई आप अपना क्रेडिट ले रहे हो, आप लेते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर साथ में आरोप कर लें कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। जब भी तो मैंने शुरुआत में कहा भाई 6.5 साल में साइंटिस्ट पैदा हो जाता है क्या? ये जो इनका जो वर्जन चल रहा है ना देश के अंदर कि सब कुछ मैंने किया, कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। अरे भाई ये चीज को बंद करो, आप सरकार आपकी है, 300+ सीटें लाए हो, आप जवाबदेही है आपकी जनता के प्रति, आप पार्लियामेंट का शीतकालीन सत्र गायब कर देते हो और खुद रैलियां करते हो, ये जनता देख रही है। आप अब पार्लियामेंट का सेशन किसानों की बात करते हैं, किसानों से बैठक कर रहे हैं। अरे भाई आप कोरोना काल में क्यों लाए थे वो एक्ट? अब आप जब 53 दिन से 10 दौर कर चुके हो, आप उसी समय सबसे बिल लेते, आप फिर ले आते किसानों के बिल, ये किसी की सुनना नहीं चाहते हैं। आप देखिए वैक्सीन की एवरेज जो आई है वो 10.7 साल में आती है, और सबसे कम में जो आई थी मम्स की आई थी 4 साल में, तो 1 साल के 8 महीने के अंदर वैक्सीन आई है, तो इनको क्लियर करना चाहिए देश के सामने हर चीज, इसमें कोई प्रश्न उठाने की बात ही नहीं है। हमारे साइंटिस्ट को इन्होंने पैदा नहीं किया है, इन्होंने इंस्टीट्यूट पैदा नहीं किया है, ये एक प्रोपोगंडा कर रहे हैं, हर चीज हमने की। अरे भाई कहते रहो हमारे, उससे फर्क थोड़ी पड़ रहा है जनता के, लेकिन आप जनता का ध्यान रखिए। बिहार को फ्री देंगे, राजस्थान से लूट मचाएंगे, ये कौन सा क्वेश्चन आ रहा है भाई? ये जनता तो क्वेश्चन करेगी, और सुरजेवाला जी भी जनता जनता में ही आते हैं, कांग्रेस भी जनता में ही आती है, इनकी इसमें क्या बात हो गई? प्रश्न ही मत करो आप किसी से। वरुण जी लेकिन चले मेरा सवाल तो मैं पंकज जी से भी यही जानना चाहूंगा। पंकज जी ये एक ऐसा इश्यू है, महामारी और वैक्सीनेशन दोनों ही मेरे नजर में ये इसे एक नहीं बनाया जाना चाहिए, लेकिन राजनीति का मुद्दा इन्होंने शुरू किया बिहार चुनाव जीतने के लिए। नहीं पहले इतने वैक्सीनेशन के प्रोग्राम आए, किसी पार्टी ने नहीं किया उसको जीतने के लिए, इसलिए बात तो इन्हीं से पूछो आप, हमने राजनीतिकरण नहीं किया। हाँ पंकज जी क्या सियासी मुद्दा है? हम कह रहे हैं राजनीतिक मुद्दा नहीं होना चाहिए, और ये राजनीतिक मुद्दे नहीं थे, लेकिन वो मुद्दे कब, जब आप कभी प्रश्न उठाते हैं और वो जब राजनीतिक रूप से प्रश्न उठाते हैं, राजनीतिक मंच से प्रश्न उठाते हैं, तो राजनीतिक मुद्दा बनता है। अभी इन्होंने कहा था आपने चुनाव में क्यों बनाया इसको जीतने का मुद्दा, गलत बात आप बोलिए, बिहार में हमने किया जो गलत किया, जवाब तो सुनिए जवाब। अब इन्होंने कहा था ना कि साइंटिस्ट आपने पैदा नहीं किए, मुझे बताइए कि नरसिम्हा राव जब सरकार से गए थे तब क्या कहकर के गए थे अटल बिहारी वाजपेयी जी को? वो जो बम बनाया था जिसका जो है परीक्षण किया गया था जाकर के राजस्थान के अंदर ही, और अशोक गहलोत जी के घर के पास में है ना, उनका घर का जो नजदीक है मतलब जोधपुर के पास में जो है वहां पर पोखरण में, तो भैया उसका जो है जो किया गया था वो बना कब था, और उसको बनाने के लिए बना करके रखने के लिए रखा था या उसका परीक्षण करने के लिए रखा था? लेकिन आपकी हिम्मत नहीं हुई थी परीक्षण करने की, और आपने अभी यही कहा कि जो ठीक है 4-4, 5-5, 7-7 साल में बन रहे थे वो 1 साल में कैसे बन गया? इनकी परेशानी खुद ने बता दी इन्होंने कि इनकी परेशानी ये नहीं है कि टीका बन गया। अरे भाई आपने भी बना दिया, मेरी परेशानी ये है कि मैं मत करो, हम करो, देश हमसे चलता है, मैं से नहीं चलता है। कि आप स्वयं देखेंगे तो राजनीतिक मुद्दा नहीं था, बिल्कुल आपने योगेंद्र जी ठीक कहा। और इस बिहार चुनाव में क्यों इस्तेमाल किया इसको, बिहार चुनाव में क्यों इस्तेमाल किया चुनाव जीतने के लिए? सर मैं रोकना, पंकज जी प्लीज मैं रोकना चाहूंगा सर, मैं श्याम जी से एक आखिरी सवाल है, श्याम जी आपके पास आना चाहूंगा। ये क्या वास्तव में, जैसे एक बार फिर मैं रिपीट करना चाहूंगा कि क्या सियासत में कुछ ऐसी चीजों को हो जिसे बख्शा जाना चाहिए,
देखिए योगेंद्र जी, क्योंकि चुनाव सबको लड़ना है, कांग्रेस को भी लड़ना है तो बीजेपी को भी लड़ना है, लेकिन शुरुआत तो निश्चित रूप से बिहार चुनाव में आप देखिएगा किसने की। अब बंगाल चुनाव, उसके बाद 5 राज्यों के चुनाव फिर आ जाएंगे, तो राजनीति तो होगी निश्चित रूप से। वैक्सीनेशन देश में हो रहा है, होना चाहिए, उसमें दो राय नहीं। महामारी का कंट्रोल करने के लिए ये तो देखिए प्रधानमंत्री की तारीफ भी करनी चाहिए कि उन्होंने लग करके सब कुछ करके किया, लेकिन जो रेट डिफरेंस आ रहे हैं जिसमें देखिए उन्होंने कहा है कि बेल्जियम को जो देने जा रहे हैं 1.78 प्रति यूरो के भाव है, उससे 158 रुपए करीब पड़ता है। तो आप ये तो हाँ, और आप देखिए भारत बायोटेक में 295 पड़ रहा है, वही बता रहे हैं। तो आप ये सारी बातें तो आपको स्पष्ट तो करनी पड़ेगी, क्योंकि देश का पैसा है, प्रधानमंत्री का पैसा है नहीं, ना भाजपा का पैसा है, ये देश के लोगों का पैसा है, उसको आप पेमेंट करोगे और आने वाले समय में उसको 1,000 रुपए में बेचने की अनुमति दे दोगे, जो उनके कह रहे हैं सीधे तौर पर। अगर सिमरन कंपनी के प्रबंधक ये कह रहे हैं कि हम 1,000 में बेचेंगे एक डोज, दो डोज सबको चाहिए, तो 2,000 में, तो सरकार अभी तो कंट्रोल किए हुए, क्योंकि सरकार के अब कोई आम व्यक्ति ले नहीं सकता, केवल सरकार ले सकती है। जी, समय कम है, मैं माफी चाहूंगा, रोकना चाहूंगा आप सभी अतिथियों को, और लबोलुआब यही है कि चले हम एक आफत से राहत की ओर बढ़ रहे हैं और निश्चित रूप से केसेस भी कम आ रहे हैं, हमें एक बार तो उस ओर ध्यान देना चाहिए। तमाम ये जो चीजें, इसका कोई राजनीतिक फायदा या नुकसान नहीं देखा जाना चाहिए और ना इसको उसी तरह से किया जाना चाहिए। राजनीतिक दलों को इस बात से हमें सबक लेना होगा कि हम कम से कम इस पर राजनीति ना करें, ना सरकार करे और ना प्रतिपक्ष के लोग करें। फिलहाल तो यह है कि जो लोग इस आफत से बाहर निकल रहे हैं उनको हम कैसे एक राहत दे सकते हैं, जो रोजगार चले गए जिनके, जो लोग आज भी डरे हुए हैं, जिनकी कोरोना के चलते अपनों को खो दिया, तो उन लोगों के प्रति सहानुभूति बरतें, तो मुझे लगता है कि हम और जल्दी खड़े हो सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।